हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन। गाइस, हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था? हमने लास्ट वाले लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि एक इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और हमेशा अगर आप डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को अच्छे से अप्लाई कर रहे हो तो ये हमेशा टैली होगी। गाइज, लेक्चर आगे स्टार्ट करने से पहले जो जनरल बच्चे की क्वेरीज कुछ आई थी वो अपन ले लेते हैं। गाइज, एक बच्चे ने, मैं जनरली हर एक लेक्चर में कोशिश करता हूँ किसी एक बच्चे की क्वेरी आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ताकि आपको पता पड़ता रहे कि किस तरह की प्रॉब्लम जनरली आ रही है। तो गाइज, प्रॉब्लम थी कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में सर अभी भी प्रॉब्लम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखो, अपन ने बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिकल बिजनेस लाइन में जाते हुए हम लोगों ने समझाया। मेरे प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने ये कहा था कि यार, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है प्रूडेंस। हमने कहा उस प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, मतलब आप अपने साल का प्रॉफिट या लॉस निकालते हो, तो उसको निकालते वक्त कभी भी अपनी इनकम, मतलब आपको लगता है फ्यूचर में कोई इनकम हो सकती है, तो उस एस्टिमेटेड इनकम को आज रिकॉर्ड मत करो। बट वहीं अगर आपको लगता है कि कोई एक एस्टिमेटेड लॉस है, फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, तो उसको आज रिकॉर्ड कर लो। देखो बेटा, यहां तक के लेवल में, बेसिक तक के लेवल में अगर इतना भी आपके दिमाग में सेट रह जाए तो काफी है। वैसे तो अपन ने और डिटेल में भी देखा है बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हम बुक्स में हमारे चीजें रिकॉर्ड करेंगे वो हमेशा हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि जब आप कोई चीज खरीदते हो तो उसकी कॉस्ट भी होती है, मार्केट वैल्यू भी होती है, रियलाइजेबल वैल्यू भी होती है, प्रेजेंट वैल्यू भी होती है। मतलब ये सारे अभी पता नहीं होंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। हम आज की डेट में जब बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करेंगे, तो कौन सी वैल्यू पे करेंगे? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि कॉस्ट पे लिखना। किस पे लिखना? कॉस्ट पे। ये दो क्लियर हो गए, इतना ही याद रखना इन दो के रिस्पेक्ट। तीसरा एक क्वेरी थी कि सर, ये जो आपने ट्रांजेक्शन जो आपने किए, इसके दो इफेक्ट वाला जो था वो थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू आप अपनी तरफ से एक बार वापस देना जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो। लास्ट लेक्चर में समझ में आ गया था, बट आप एक बार और समझा दोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक बार वापस बता देता हूँ। मैंने कहा बच्चों देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है। आ रहा समझ? एक डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है, और ये जो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है ये बहुत ही छोटी सी चीज कहता है। ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे उन ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे। कितने इफेक्ट्स होंगे? दो इफेक्ट होंगे। तो आप क्या कर रहे हो कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे टॉपिक में आप लोग क्या कर रहे हो, वो दो इफेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो। और वो दो इफेक्ट किस पे हो सकते हैं? इन चारों चीजों में से किन्हीं दो चीजों पे इफेक्ट होते हैं वो, इन चार में से किन्हीं दो चीजों पे इफेक्ट होते हैं। मतलब एक तो मैंने आपको बताया था एसेट, मैंने बताया था एक्सपेंस। गाइस, आपको सबको वो स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर तो याद होगी होगी, तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि खर्चा अगर एसेट है, आपने कोई एक्सपेंडिचर किया और आपको उसकी वजह से कोई ऐसा एक फायदा मिल रहा है जो अगले साल तक कंटिन्यू होगा, तो आप एसेट बनाओगे। बेनिफिट इसी साल एग्जॉस्ट हो गया तो आप क्या करोगे? एक्सपेंस बनाओगे। वैसे के वैसे एक लायबिलिटी, फ्यूचर में आपको कोई पेमेंट करना है तो वो लायबिलिटी। और अगर आपको कोई सामान बेच के, कोई सर्विस दे के कोई कमाई हुई, तो वो आपके लिए क्या है बेटा? इनकम। अब मैं आपको बता दूं, ये दो इफेक्ट से पहले आपको ये चारों चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस में एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, और मेरी लायबिलिटी क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये चारों के चारों टर्म्स आपको नहीं पता है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि सवाल ही नहीं उठता कि लॉजिकली आप इसको समझ पाओ। ये चारों पहले अपने दिमाग में क्लियर करो। मैंने अभी आपको वापस ओवरव्यू दिया है, नहीं तो आप पुराने नोट्स को एक बार रिवाइज करो, ठीक है? तो मैंने एक बार ओवरव्यू आपको दे दिया, फिर भी वापस इन डिटेल चाहिए, एक बार रिवाइज करो। अब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की एक खास बात बताता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी कोई इनकम होती है, क्या होता है बेटा? जब भी कोई इनकम होती है, या अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी कोई एक्सपेंस होता है, जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई इनकम होती है, जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई एक्सपेंस होता है, इन दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है कैपिटल पे। किस पे पड़ता है इसका इम्पैक्ट? कैपिटल पे, ठीक है? अब मैंने कहा कि इनकम जो है वो यहाँ पे
कैपिटल में जाएगी और एक्सपेंस भी यहाँ कैपिटल में जाएगा। सर क्या कहना चाह रहे हो अभी बताओ। मैंने कहा ये कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर को। आ रहा समझ? मुझे बताओ अगर बिजनेस में इनकम हो रही है तो वो ओनर को हमें देनी है, तो ओनर की तरफ जो लाइबिलिटी है वो बढ़ेगी। अरे अगर ओनर को हमें पहले 1 लाख रुपए देने थे और अगर किसी चीज से प्रॉफिट हुआ 5,000 का, तो हम इस कैपिटल में जोड़ेंगे, हम कहेंगे हमारी लाइबिलिटी अभी 1 लाख की नहीं है, 1,05,000 की होगी। मैंने कहा एक्सपेंस, कोई नुकसान हुआ, कोई खर्चा किया, तो यार वो ओनर की लाइबिलिटी में माइनस करेंगे। खर्चा कौन बियर करेगा, नुकसान कौन बियर करेगा? ओनर। अरे ये बिजनेस पूरा का पूरा किसके लिए हो रहा है? ओनर के लिए। तो जो फायदा होगा वो ओनर को देंगे, जो नुकसान होगा वो ओनर से लेंगे। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस होगा, इनकम होगी तो कैपिटल में ऐड होगा। एक पूरा इनडेप्थ लॉजिक आ गया जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ये उसके लिए छोटा सा एक समरी था। मैंने कहा कल जो किया था उसी के आगे पहले एक बार 8th वाला पॉइंट करते हैं, फिर अपन कुछ आगे के 4 से 5 पॉइंट अपने डिटेल में करेंगे। अब देखो बेटा, फर्नीचर परचेज, ध्यान से सुनना बेटा, फर्नीचर परचेज 4 रुपीज 80,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर परचेज 80,000 ऑन क्रेडिट, मतलब इसका क्या है? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा यहां पे एक एसेट है और यहां पे कैपिटल है और यहां पे क्या है, कोई लायबिलिटी। समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलूं, समझने की कोशिश। मैंने कहा ये तो पक्की बात है कि आपको ये समझ में आ गया कि फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया और वो कितने का किया, 80 का। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू क्या है, 80,000 से बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 80,000। स्टोरी समझ में आ रही है? स्टोरी दिमाग में आ रही है? मैंने कहा उसके बाद क्वेश्चन कहता है हमने ये उधार में खरीदा, तो मुझे बताओ क्या आपने इसका पेमेंट किया अभी? नहीं। क्या आपने इसका पेमेंट किया? नहीं। आप पेमेंट अभी करोगे? नहीं। कब करोगे? फ्यूचर में। तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी 80,000 से, क्योंकि आप ये पेमेंट कब करोगे? फ्यूचर में। अब बेटा सवाल ये उठता है कि सर ये लाइबिलिटी का नाम क्या है? सर हमने किताबें देखी, स्कूल में कराया, हमें तो क्रेडिटर लिखवाया। बेटा देखो मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि ये जो क्रेडिटर है ये लिखना ठीक है स्कूल लेवल में, अगर आप लिखना चाह रहे हो स्कूल में ये करवा रहे हैं ठीक है, बट क्रेडिटर वो होता है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं और अल्टीमेटली फिर उनको बेचते हैं। फर्नीचर हम बेचने के लिए नहीं ले रहे हैं, हम उसको किसके लिए ले रहे हैं? यूज करने के लिए। तो इसके लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड होता है वेंडर। क्या वर्ड होता है? वेंडर, मतलब जिस आदमी ने हमें माल सप्लाई किया। क्लैरिटी है दिमाग में? स्कूल में अगर एग्जाम में लिख रहे हो क्रेडिटर लिख देना भाई, अगर आप कोई प्रोफेशनल एग्जाम में लिख रहे हो तो आप ध्यान रखना वेंडर भी आ सकता है। स्टोरी क्लियर है? तो मैंने कहा ये पॉइंट नंबर 8 हमारा क्लियर हो गया। वैसे पहले हम टू इफेक्ट्स देखते थे, तो पहले एक बार टू इफेक्ट्स भी विजुअलाइज कर लेते हैं। यार बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दो इफेक्ट्स क्या होंगे इसके? टू इफेक्ट्स क्या होंगे? टू इफेक्ट्स बोलो माय डियर फ्रेंड। नंबर वन, आपके पास एसेट बढ़ेगा, ठीक है, और नंबर टू आपके पास लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। मैंने कहा अगर मैं बात करूं एसेट की, तो मैंने कहा सीधा सा है, कौन सा एसेट बढ़ा गाइस, हम तो देख के आए हैं, कौन सा एसेट बढ़ा? फर्नीचर। लाइबिलिटी कौन सी बढ़ी बेटा, क्रेडिटर की या वेंडर की? क्लियर है बेटा? फंडा दिमाग में सेट हो गया, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन अच्छे से आ गया। तो बेटा देखो पूरे के पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहेगा, हमें उस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स ढूंढने हैं, दैट इज इट, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हम वो दो इफेक्ट ढूंढे जा रहे हैं और काम करे जा रहे हैं। क्लैरिटी आ गई दिमाग में? चलो बेटा इसको कॉपी मारो, पहले ऊपर वाला कर रहा हूं मैं, इनकेस आपको कुछ लगे तो कॉपी मारना, नहीं लगे तो छोड़ देना।
तो गाइस यहां तक हमने कर लिया बहुत अच्छे से। अब बेटा अब अपन चालू करेंगे तीन चीजें, तीन ऐसे एडजस्टमेंट अब अपन करेंगे जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, फिर तीन और करेंगे जो इनकम से रिलेटेड। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप देखो सैलरी पेड रुपीज, क्या बोला मैंने? सैलरी पेड रुपीज 20,000, ठीक है? हमने सैलरी पे की, और वो सैलरी कितनी पे की माय डियर फ्रेंड्स? 20,000। तो यार एक बार सोच के बताओ, दिमाग लगाओ और मुझे इसके टू इफेक्ट्स बताओ। जब मैं टाइम दे रहा हूं ना ऐसे सोचो सोचो तो सोचना है, ऐसा नहीं कि पता पड़ा मैं ही सोच रहा हूं और तुम तो आराम से रिलैक्स बैठे हो कि थोड़े दिन में सर थोड़ी देर में सर आंसर दे ही देंगे, ऐसा नहीं। जब मैं कहूँ सोचो तो दिमाग लगाओ। आपको नहीं लगता जब आप सैलरी पे करोगे तो सबसे पहले आपके पास जो कैश है उसका बैलेंस कम होगा? जो आपके पास कैश है उसका बैलेंस क्या होगा? कम होगा। क्लैरिटी है? नंबर टू, आपको नहीं लगता कि जब आप सैलरी का पेमेंट करोगे तो वो आपके लिए क्या है बेटा? एक एक्सपेंस है। ध्यान से सुनना, सैलरी क्या है आपके लिए? एक्सपेंस। और अभी अभी मैंने आज लेक्चर चालू करने के टाइम ही एक चीज बताई थी तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्या बताई थी? मैंने कहा था अगर कोई एक्सपेंस है इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो वो हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाता है। किसमें से माइनस हो जाता है? कैपिटल में से। तो मैंने कहा इसी को ही अपन आगे देखते हैं। मैंने कहा मेरा कैश का बैलेंस कम हो रहा है, तो कैश का बैलेंस तो कैश में से माइनस होगा, बट सैलरी एक्सपेंस है तो ये कैपिटल में से माइनस होगा। किसमें से माइनस होगा? कैपिटल में से। स्टोरी क्लियर है? कैपिटल में से क्या होगा? माइनस। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता हूँ गाइस, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता हूँ। क्या कहती है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? बोलो बेटा। मुझे नहीं पता कितना है, बट मैं जब पेमेंट करूंगा तो 20,000 से कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा? कम। उधर मैं यहां पे बात करूं तो जो भी मेरा कैश का बैलेंस होगा वो कितने से कम हो जाएगा? 20,000। गाइज मैं आपको बता दूं, जैसे बड़े अगर आपने क्वेश्चन आगे देखे होंगे तो उनमें तीन एडजस्टमेंट, पांच एडजस्टमेंट, छह एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं। आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। मैं जब ये एडजस्टमेंट पूरे करा के खत्म होऊंगा ना, तो आप मान लो इस पूरे के पूरे चैप्टर में 90% जितने एडजस्टमेंट आएंगे वो सारे यहीं खत्म हो जाएंगे, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो एक एक एडजस्टमेंट ले रहे हैं और उसका बिल्कुल थीसिस कर रहे हैं डिटेल में, आ रहा सुनिए? फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो वो तो प्रैक्टिस होगी। तो आप बताओ अगर आप सैलरी पे करोगे तो आपका कैश तो कम होगा ही होगा, और सैलरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक खर्चा है, तो सैलरी कहां से माइनस होगी? कैपिटल में। क्या ये भी दिमाग में सेट हो गया? वेरी गुड बेटा। फटाफट एक काम करो, एक एक काम करो, इसको कॉपी मारो पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हो गया होगा, आपने पॉज करके इसको कॉपी मारा होगा। अब देखो ये एक्सपेंस की फैमिली से ही आ रहा है, अगला एडजस्टमेंट एक्सपेंस वाली फैमिली में से ही है ये, और इसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या कहता है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? मैंने कहा इसके मैंने दो कैटेगरी बनाई है गाइज, ताकि एडजस्टमेंट सारे कवर हो जाए। पहला आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹4,000, ठीक है? दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 पेड। देखो दो एडजस्टमेंट रिलेटेड, पहला वाला है कि एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है और दूसरा वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी है और उसको हमने पे कर दी, मतलब पहले आउटस्टैंडिंग थी अब पे हो रही है। अब सुनना,
मैंने कहा पहले पहला वाला देखते हैं और ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, टू इफेक्ट्स बताओ, टू इफेक्ट्स बताओ और दिमाग लगा के बताना, ऐसे नहीं बिना सोचे समझे। मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने आपको अक्रूअल बेसिस पढ़ाया था, तब आपने बहुत तेज तेज चिल्ला के कहा था अरे सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। एक बात बताओ, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अक्रूअल बेसिस क्या कहता है, भले ही सैलरी आउटस्टैंडिंग हो बट अगर वो करंट ईयर को बिलोंग करती है तो इस साल खर्चा बुक होना चाहिए। अरे यस के नो भाई, नॉर्मली देखो ऊपर वाला पार्ट देखो, ऊपर वाला। मैंने कहा ऊपर वाले में भी सैलरी खर्चा था भाई, सैलरी जो मैंने 20,000 पे की वो मेरा खर्चा था, तो वो कैपिटल में से माइनस हो गया। अब मुझे सबसे पहले जवाब दो, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 मेरा खर्चा है कि नहीं है? खर्चा तो है बट ये खर्चा मैंने पे नहीं किया। तो अक्रूअल बेसिस क्या कहता है, भले ही आपने पे नहीं किया बट अगर वो खर्चा है तो वो इस साल बुक होगा। तो मुझे सबसे पहला इफेक्ट बताओ, अगर ये सैलरी एक्सपेंस है तो आपको नहीं लगता ये सैलरी मेरी कैपिटल में से माइनस होनी चाहिए? कैपिटल में से क्या होनी चाहिए? माइनस होनी चाहिए। मैंने कहा अब अगर ये सैलरी जो मेरा खर्चा है कैपिटल में से माइनस होनी चाहिए, अल्टीमेटली अगर मैं पे कर देता जैसे मैंने ऊपर वाले एडजस्टमेंट में किया तो मेरा कैश कम होता, बट क्या मैंने ये पे किया है? नहीं। कब पे करूंगा? फ्यूचर में। तो यार फ्यूचर में अगर मुझे कोई चीज पे करनी है तो वो तो मेरी लाइबिलिटी है ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां प्लस होगा? लाइबिलिटी में। बोलो माय डियर फ्रेंड्स, लॉजिकली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी है 4,000 की, वो 4,000 का मेरा खर्चा करंट ईयर को बिलोंग करता है तो कैपिटल में से तो माइनस होगा, क्योंकि सारा खर्चा कैपिटल में से क्या होता है? माइनस। अगर मैं पे कर देता तो सेकेंड इफेक्ट आता, कैश में से माइनस। मैंने पे नहीं किया, मैंने कहा भविष्य में दूंगा, तो वो कहां से माइनस, कहां पे जाएगा, कहां जाके ऐड होगा? लाइबिलिटी में। तो मैंने कहा अगर मैं इसकी बात करूं, यहां आएगा एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब मुझे ध्यान से बताना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? मैंने कहा यार बिल्कुल क्लियर, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 4,000। तो मैंने कहा मेरी लाइबिलिटी बन गई 4,000, भले ही मैंने पे नहीं किया बट है तो मेरा खर्चा, कहां से माइनस होगा? कैपिटल में से। अरे सैलरी लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आ रहा समझ? अब देखो बेटा, नाइन्थ और टेंथ एक साथ समझना, मैंने इतना लॉजिकली इन सारे एडजस्टमेंट को अरेंज किया गया कि आपको अगर क्लास में आप ध्यान से सुन लोगे ना मेरा, 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इतना ढंग से मैंने सारे कंटेंट को अरेंज किया है, एक सीक्वेंस बनाई है पढ़ाने की। तो मैंने कहा जैसे ही आप ऊपर वाला एडजस्टमेंट देखोगे आपको पता पड़ा कि सैलरी हमने पे कर दी, या अगला एडजस्टमेंट जो ये पढ़ रहे हैं सैलरी हमारी अभी आउटस्टैंडिंग है। भाई दोनों ही केसेस में कैपिटल में से माइनस होगा। अक्रूअल कॉन्सेप्ट कनेक्ट करो, भले ही मैंने 20,000 पे किया तो भी खर्चा, 4,000 करंट ईयर को बिलोंग करता मैंने पे नहीं किया वो भी खर्चा, तो दोनों ही केसेस में कैपिटल में से माइनस हो रहा है। बट अगर मैंने पे कर दिया तो कैश कम, पे नहीं किया भविष्य में पे करूंगा तो लाइबिलिटी। स्टोरी क्लियर है? अब इधर देखो, ये देखो अब सेकेंड एडजस्टमेंट तुम्हारा और डाउट क्लियर कर देगा, मतलब जो भी दिमाग में डाउट है वो यहां सेकेंड वाला एडजस्टमेंट में क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है सेकेंड वाला एडजस्टमेंट? सेकेंड वाला एडजस्टमेंट बात करता है दो इफेक्ट्स की। कौन से दो इफेक्ट्स की माय डियर फ्रेंड्स? ये बात करता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी पे हो गई, तो अब सबसे पहला क्या आप यहां पे कैपिटल में से माइनस करोगे? नहीं, क्योंकि आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी जब बनाई होगी, जैसे आपने भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी पे हुई, इसका मतलब पुरानी पहले आउटस्टैंडिंग होगी तभी तो पे होगी। तो जब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग हुई होगी मैंने उसी वक्त खर्चा मानते हुए कैपिटल में से माइनस कर दिया, अब तो मैं बस वो पुराना जो खर्चा बुक हो चुका है उसको अगर मैं वापस यहाँ कैपिटल में से माइनस करूंगा तो एक ही खर्चा दो बार बुक हो जाएगा। तो यहाँ पेमेंट करते वक्त माइनस नहीं करें। अब मैंने कहा पहला इम्पैक्ट, पेमेंट कर रहा हूं तो कैश तो कम हो जाएगा, और कैश कितना कम हो जाएगा? 4,000 से। कैश कितना कम हो जाएगा? 4,000 से। मैंने कहा दूसरा, दूसरा मैंने कहा हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक लाइबिलिटी है। अरे हाँ कि ना? आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक लाइबिलिटी है ना,
और मैंने कहा ये जो लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से जो कि कितनी है 4,000, अब आप क्या करोगे इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को जो हमारी लाइबिलिटी है इसका क्या करोगे, आप पेमेंट करोगे। तो जब आप पेमेंट करोगे तो आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब मैंने कहा इधर देखो, सीधा सा फंडा है आपका जो एसेट है उसमें से तो कैश कम हो जाएगा, कितना कैश कम हो जाएगा 4,000। मैंने कहा इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो मुझे एक बात बताओ आपके कैपिटल में से तो कुछ नहीं होगा बट ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से आपकी जो लाइबिलिटी थी वो 4,000 से कम हो जाएगी। तो ये जो 4,000 थी वो 4,000 से कम हो जाएगी, तो अब लाइबिलिटी बचेगी 0। तो समझ में आ गया, समझ में आया क्या है कैसे, इन दोनों को कॉपी करो। अभी एक्सपेंस रिलेटेड ही एक पॉइंट और बचा है, तो एक्सपेंस की पूरी फैमिली निपटा देंगे अपन आज। सो गाइज कॉपी कर लिया होगा आपने बहुत अच्छे से, कौन सा पॉइंट था ये 10th, अब आ जाओ 11th। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा प्रीपेड सैलरी, मतलब हमने पेमेंट किया बट हमने 2,000 एडवांस में सैलरी दे दी, प्रीपेड सैलरी रुपीज 2,000 पेड। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दो इफेक्ट्स बताओ। मैंने कहा आपका जो कैश का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम। भाई सीधा सा फंडा है, आपका जो कैश का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि हमारा जो कैश है उसका बैलेंस 2,000 से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज कैश का बैलेंस कम होगा, क्यों? क्योंकि वी आर मेकिंग द पेमेंट। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कैश क्या होगा आपका, कम। दूसरा मुझे एक बात बताओ ना, प्रीपेड सैलरी क्या है, तुम्हारा खर्चा है क्या? याद करो, अगर ये पॉइंट नंबर 9 की तरह अगर मेरा खर्चा होता या पॉइंट नंबर 10 की तरह भी मेरा ये खर्चा होता तो मैं क्या करता, कैपिटल में से माइनस करता। बट आप सोचो, आपने अगले साल की सैलरी इसी साल दे दी, मतलब प्रीपेड सैलरी मतलब यही तो होता है, आपने क्या किया, एडवांस में पेमेंट किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने कोई एडवांस में पेमेंट किया है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने कोई एडवांस में पेमेंट किया मतलब अगले साल का पेमेंट आपने अभी कर दिया, तो भैया आपके लिए तो एसेट है ना। याद करो ना वो स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, और आप देखो कितने इंपॉर्टेंट थे। मैं जब वहां चिल्ला चिल्ला के कहता था, याद आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये देखो आज स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, और आज तक अपन ने कितनी बार वो स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर को कनेक्ट किया। जब मैं प्रिंसिपल पढ़ा रहा था मैंने कहा यार इस पे अपन इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि ये काम आएगा, तो आज मैं लिंक करवा सकता हूँ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे भी अक्रूवल लगेगा, यहाँ पे भी मैचिंग लगेगा। एक बात बताओ, ये जो 2,000 का आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट तो आज कर दिया बट ये सैलरी है कौन से साल की, अगले साल। जब अगले साल आदमी काम करेगा तो उससे रेवेन्यू या ऑर्गेनाइजेशन को फायदा भी अगले साल होगा। जब रेवेन्यू अगले साल बुक हो रहा है तो सैलरी खर्चा आज इस साल थोड़ी बुक होगी, वो भी कब होगी, अगले साल। तो ये जो 2,000 रुपीज आपने पे किया ये आपके लिए एक्सपेंस नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके लिए एक एसेट है। क्या है आपके लिए? एसेट। इसका फायदा कब मिलेगा? अगले साल। अब मैंने कहा इधर देखो,
एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। मतलब कहने का क्या है इसका, मतलब यह है कि मैं अगर 2000 रुपीज का पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा जो कैश का बैलेंस है, माई कैश बैलेंस विल रिड्यूस माई डियर फ्रेंड्स बाई 2000। मेरा 2000 से बैलेंस क्या हो जाएगा गाइस, कम हो जाएगा। 2000 से मेरा बैलेंस क्या होगा, कम। बट मेरा जो प्रीपेड सैलरी, एक नया एसेट आएगा जिसका फायदा हमें अगले साल मिलेगा, कितने का, 2000। तो अब मुझे वापस चेक करके बताओ, 2000 से एसेट बढ़ा, 2000 से एसेट डाउन, तो वापस इक्वल। डू नॉट फॉरगेट, ये सारे एडजस्टमेंट हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन है ये हमेशा मैच होगी के नहीं होगी। क्लैरिटी है गाइस, आई होप क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉपी मारो, यस गाइज हो गया कॉपी बहुत अच्छे से। अब गाइज ऐसे के ऐसे ही हमें तीन करने हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनकम वाले। कौन से इनकम वाले, क्या कहता है बेटा ये? अब देखो मैं कहता हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹30,000, मतलब आपको इंटरेस्ट मिला, कितना मिला माय डियर फ्रेंड्स, 30,000। 30,000 का आपको इंटरेस्ट मिला। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 30,000 का इंटरेस्ट मिला, व्हाट डज दिस इंडिकेट यार, बताओ ना मेरे प्यारे बच्चों, 30,000 का इंटरेस्ट इंडिकेट क्या करता है यार? ये इंडिकेट करता है कि मुझे कमाई हुई है, और यहां पे लिखा हुआ है कि मुझे रिसीव हो गया है। तो मैंने कहा दो इफेक्ट, याद करो वापिस बचपन। सबसे पहले आप रिसीव करोगे तो आपके पास जो कैश होगा उसका बैलेंस बढ़ेगा, कैश का बैलेंस क्या होगा गाइस, बढ़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट, आपकी जो इनकम होगी वो बढ़ेगी, और इनकम जब होगी और इनकम जब बढ़ेगी तो मैंने आपको क्या कहा, इनकम इस चैप्टर में सीधा का सीधा आप कैपिटल में ऐड कर सकते हो। कहाँ ऐड कर सकते हो, कैपिटल। स्टोरी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इनकम जो है वो कैपिटल में आप डायरेक्ट के डायरेक्ट ऐड करोगे। भाई पहले जब नुकसान हो रहा था, खर्चा कर रहे थे तो माइनस हो रहा था, ये इनकम में डायरेक्टली क्या हो जाएगी, ऐड। मैंने कहा गाइज अगर मैं इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में इम्पैक्ट देखूं और चेक करना चाहूं कि जो इक्वेशन हम बार बार कह रहे हैं टैली रहती है, टैली रहती है, क्या ये टैली होती है? अभी चेक कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, चेक करके खुद ही बिलीव करना। तुम्हें लगता है तुम कोई ऐसा खुद का ट्रांजेक्शन बना सकते हो और ये अकाउंटिंग इक्वेशन टैली नहीं होगी, तो दैट्स अ ओपन चैलेंज बेटा, ट्राई करो। क्योंकि जितना दिमाग लगाओगे कॉन्सेप्ट उतना ही बाहर निकल के आएंगे, ठीक है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैं जब पढ़ता था ना बच्चों, जब मैं पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, मतलब हाँ सर आज भी पढ़ना पड़ता है 100%। अ पर्सन हु स्टडिंग विल ऑलवेज रिमेन स्टूडेंट बेटा, जो बच्चा पढ़, जो मतलब जीवन में किसी भी लेवल पे चले जाओ आप स्टूडेंट रहते हो। मैं भी आज पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना पड़ता है, मैगजीन्स पढ़नी पड़ती है, अप टू डेट रहना पड़ता है। तो गाइस कहने का मतलब है, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी ना, जब मैं ये चैप्टर पढ़ता था तो, या कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ता था, तो मैंने जैसे एक बार पढ़ लिया, फिर मैं खुद के ट्रांजेक्शन सोचता था। मैंने कहा क्या इस वाले ट्रांजेक्शन में भी ये टैली होगी, या इस वाले ट्रांजेक्शन में ये टैली नहीं होगी, ऐसा मैं सोचता था। उस सोचने की वजह से क्या हुआ, मेरा दिमाग के घोड़े ना अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ते थे। जब डायरेक्शन आपका दिमाग चलने लगेगा, आप सोचने लगोगे कि सब्जेक्ट से कनेक्ट होने लगेगा और मजा आएगा, ठीक है? तो गाइज मैं आपको बता दूं, यहां पे जो कैश का बैलेंस है वो कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, कितने से, थर्टी थाउजेंड से कम क्यों होगा, बढ़ेगा ना यार, इनकम है तो बढ़ गया 30 से, और कैपिटल भी कितने से बढ़ गई, 30 से। स्टोरी क्लियर है?
डू वी बाई एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? तो मैंने कहा ये 12th हो गया, कॉपी करने के लिए एक साथ दूंगा यार इसमें। अब मैंने कहा 13, मैंने कहा जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है वैसे इनकम भी तो अक्रूड होती। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड कितना? 8000। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा एक ये जो 8000 है ये इंडिकेट क्या करता है, ये 8000 जो है ये इंडिकेट क्या करता है। मैंने कहा ये जो 8000 है ये इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब ये इंटरेस्ट अभी अक्रू हो चुका है। क्या हो चुका है? अक्रू हो चुका है। तो मैंने कहा यार ये जो इंटरेस्ट है वो अक्रू हो चुका है और ये 8000 रुपए का इंटरेस्ट हमारे इसी साल की इनकम है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये पैसा मिल गया कि ये मिलेगा? बताओ बेटा, सबसे पहले बताओ इसको इनकम मानू कि नहीं मानू? अक्रूअल बेसिस जो था वो लगाना चालू करो दिमाग में, क्या मैं इसको इनकम मानू या इसको इनकम ना मानू? अक्रूअल बेसिस दिमाग में लगाना चालू करो। क्या कहता है अक्रूअल बेसिस? अक्रूअल बेसिस एक छोटी सी बात कहता है। अक्रूअल बेसिस कहता है माना ये 8000 रुपए मिले नहीं है बट करंट ईयर को बिलोंग करते हैं तो ये इनकम है, और इनकम है तो कैपिटल में जाके क्या हो जाएगी? ऐड। याद करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पॉइंट नंबर 10, हमारा खर्चा पेमेंट किया नहीं बट बिलोंग करंट ईयर को करता है तो माइनस हुआ था, वैसे ही इनकम अक्रू है मिली नहीं है बट करंट ईयर की है तो ऐड होगी। क्लियर है? अब मुझे बताओ ना, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह आपका एक एसेट है, ये आपका क्या है? एक एसेट। ठीक है, अब सुनना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मैं जब एसेट की बात करता हूं ना, तो मैंने कहा यहां पे ये मेरा अक्रूड इंटरेस्ट है और अक्रूड इंटरेस्ट में आप कितना प्लस करोगे? 8000। कितना प्लस करोगे? 8000, क्योंकि ये एसेट। क्या है ये? एसेट। मैंने कहा दूसरा, ये जो है ये 8000 रुपीज, ये क्या होगा? ये यहाँ पे ऐड होगा कहाँ पे? कैपिटल में। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है, करंट ईयर की इनकम है इसलिए कैपिटल में ऐड होगी। नंबर टू, क्या ये पैसा मिल गया कि मिलेगा? इनकम कमा तो लिए, मिली नहीं है, कब मिलेगी? फ्यूचर में। जो चीज फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी क्या है? एसेट। तो इसलिए एसेट में लिखा है। दिमाग में सेट है, दो इफेक्ट्स और लॉजिक साथ में रखना, बार बार रिवाइज करना। आप जब अभी सुनोगे ना तो 50-60-70% आ जाएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे पूरा 100% आ जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो अब आप इनको यहीं पे कोशिश करो 100% कर लो, बट अगर 50-60 भी है तो ट्रस्ट मी इट इज वेरी गुड। ठीक है, अब पहले इन दोनों को कॉपी करो फिर लास्ट वाला करेंगे। यस गाइस, क्लियर है? दिमाग में सेट हो गया। मैंने कहा यहाँ पे देखो आप 14, लास्ट इनकम वाला पॉइंट, लास्ट इनकम वाला, इंटरेस्ट या अनअर्न्ड इंटरेस्ट
मतलब मेरे प्यारे बच्चों, 4,000 रुपए का इंटरेस्ट अनर्न्ड, अनर्न्ड मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस मतलब हमने कमाया नहीं, पर मेरे प्यारे बच्चों हमें फिर भी मिल गया, वी हैव नॉट अर्न्ड बट वी हैव रिसीव्ड। तो मैंने कहा इसका इंपैक्ट बताओ, टू इफेक्ट्स, टू इफेक्ट्स। नंबर वन, एक तो आपके पास 4,000 रुपए कैश में आए होंगे, आप मुझे बताओ ये जो इंटरेस्ट आपको मिल गया, आपको नहीं लगता ये इनकम कब की है, अगले साल की, मतलब अगले साल तुम्हें सामने वाले को बेनिफिट देना पड़ेगा, मतलब कुछ लोन देके रखना पड़ेगा या कुछ पैसा देके रखना पड़ेगा जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट एडवांस में मिली है। तो इसका मतलब अगले साल तुम्हें वो बेनिफिट उसको देना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 4,000 रुपए की हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बन गई यार, क्योंकि हमने आज इंटरेस्ट तो ले लिया उससे, अब इंटरेस्ट हमने अगले साल का अभी ले लिया तो अगले साल उसको पैसे देके रखने पड़ेंगे ना। अरे इंटरेस्ट किस पे मिलता है, लोन पे, या आपने कोई डिपॉजिट करा रखा है, तो अगर अगले साल का पैसा एडवांस में दे दिया उसने इंटरेस्ट के तौर पे, तो अगले साल हमारा पैसा हमें उनको देके रखना पड़ेगा, तो हमारे सर के ऊपर एक लायबिलिटी है। आ रहा समझे, मैंने कहा इंपैक्ट देखते हैं। मैंने कहा एसेट इज इक्वल्स टू ठीक है, क्लियर है बेटा फंडा। दूसरा, क्लियर है बेटा फंडा, स्टोरी समझ में आ गई, कैश और अनर्न इंटरेस्ट स्टोरी समझ में आ गई, दिमाग में सेट है, अपने को क्लैरिटी आ गई बेटा इसमें पक्का। तो गाइज अब देखो, अगला लेक्चर जो आप मेरा स्टार्ट करोगे, अगला लेक्चर जो आप देखोगे, उससे पहले यहां तक रिवाइज कर ले, मैंने आपको अच्छे खासे पॉइंट इस चैप्टर में कवर करा दिए, दैट इज 14 पॉइंट्स कवर हो गए गाइस, अ लॉट, इन 14 को पूरे के पूरे रिवाइज करना, मैचिंग आया बीच में, अक्रूवल आया बीच में, स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर आई बीच में, एसेट लायबिलिटी इनकम एंड एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी एंड इनकम आई, इन सबको भी रिवाइज करना अगर कहीं अटक जाओ। मैंने जो बताया था वेंडर और क्रेडिटर, उसको भी गोला गोला बना के, बादल बादल बना के अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखना ताकि याद रहे, कोई ऐसा लॉजिक जो मैंने बोला आपको लगता है यार रिटेन नहीं कर पाओगे, लिख के रखना है, प्लीज पॉज करके उसको भी लिख लेना, बट डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसा नहीं ठीक है याद रह जाएगा, तुम कंट्रोल मत हो, तुम कंट्रोल करो चीजों को, सो व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। क्लियर है बेटा, अगले लेक्चर में मिलते हैं जहां हम आगे कवर करेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।